गुड मॉर्निंग एवरीवान दिस इज सोना शर्मा योर रीजनिंग एजुकेटर आई वेलकम यू ऑल ऑन द दफीशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकर्स अडा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फाउंडेशन क्लासेस डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे सभी चैप्टर्स की फाउंडेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे हम प्री टू मेंस की तैयारी करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो प्री से मेंस तक की पूरी मतलब कि पूरा एक सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को इस सेशन को ज़रूर पहुंचाइएगा हर उस व्यक्ति तक जिसे ज़रूरत है इस फाउंडेशन की आज हम अल्फ्रोमरिक सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके बाद आज हम इसका प्री प्लस मेंस और इसके साथ इसकी फ़ाउंडेशन करेंगे और फिर एक दिन मैं आपको इसका सिर्फ मेंस वाला पार्ट कराऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फ्रोमैरिक सीरीज ओके ओके तो ये कौन से कौन से एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूँ दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहा है स्टूडेंट वो ये फाउंडेशन को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकता है इसी के साथ जो स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगी जो बैंक की इंश्योरेंस की आर बी आई ग्रेड भी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो रीजनिंग की फाउंडेशन यहाँ से ज़रूर बनाएँ और कुछ एग्जाम जैसे कि हमारे रेगुलेटरी बॉडीज के कुछ एग्जाम्स होते हैं ऐसो का एग्जाम होता है एफ ओ का एग्जाम होता है एफ सी आई का एग्जाम होता है ई एस आई सी का एग्जाम होता है ये सारे स्टूडेंट्स इस फाउंडेशन से अपना बेस क्लियर कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे आप सभी को एक और बात बता दूँ, मेरी ट्रेंडिंग रीजनिंग बैच सत्ताईस जनवरी से शुरू हो रही है अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो अगर आप चाहते हो कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन पढ़नी है मेरे से तो ये पेड़ बैच में ज़रूर जुड़िएगा और ये मई तक चलेगी तीन से चार महीने डेडिकेटेड तरीके से प्री से मई तक की तैयारी करेंगे बातचीत भी हो पाएगी हमारी यहाँ पे और डाउट्स भी क्लियर होंगे ओके और नाम आपको पता है ट्रेंडिंग डीजिंग आप हर कोई व्यक्ति इसे जानता है ठीक है कूपन कोड आपका रहेगा वाई चार सौ चालीस यू विल गेट सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट इसी के साथ मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि ये बैच आपको बैंक महापैक में भी मिल जाती है तो आई वुड रिकमेंड यू महापैक ले लीजिए क्योंकि महापैक में आपको फाउंडेशन बैच भी मिलेगी और सारी बैचेस सारे टीचर्स की फाउंडेशन मिलेगी टेस्ट सीरीज मिलेगी ई बुक्स मिलेगी मतलब पूरी एक ऑनलाइन कोचिंग है ठीक है तो कूपन कोड वही रहेगा आपका वाई चार सौ चालीस यू विल गेट डिस्काउंट मैक्सिमम एंड डीवी लाइव है तो डबल वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी गोल्डन रूल्स ऑफ पजल्स है सिटी गरेशमेंट ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है जैसे रीजनिंग रील्स है जैसे ट्रेंडिंग पजल्स है तो ये आप जरूर देखना मैंने एक ही जगह सारे रूल्स इसको कराए हैं इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगी और ट्रेंडिंग पजल्स की जो प्ले है उससे भी जरूर गो थ्रू करना अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं ठीक है चलिए तो आगे चलते हैं हां ये सारी बैचेस आपको बैंक महापैक में मिल जाती है आई विल आई वुड रिकमेंड यू महापैक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पे तो कल मैंने थोड़ी सी आपसे बात की थी इस बारे में लेकिन हाँ आ, शनाया थोड़ा ये आगे हो गया है ठीक है हाँ तो ये बीस से सत्ताईस के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाएगा अब हम जल्दी से यहाँ पे आ, स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पे करने वाले हैं तो एक क्विक रिव्यू मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट से पहले हम ये देख लें कि टाइप क्या क्या होते हैं ठीक है और उससे भी पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये पैटर्न कैसा होता है तो देखिए पैटर्न कैसा होगा आपको एक सीरीज दी गई होगी ये एक सीरीज है इस सीरीज को मैं क्या नाम दूंगी इसे बोलूंगी अल्फाबेट नंबर्स और सिंबलिक सीरीज अल्फा नुमेरिक सीरीज में इसमें इसे हम मिक्स्ड सीरीज कहते हैं जिसमें लेटर्स मतलब कि अल्फाबेट भी है सिंबल भी है और नंबर भी है ओके ये सीरीज आपको दी जाएगी एग्जाम में और इसके बेसिस पे आपसे पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको ये सीरीज फिर से दिखेगी और इस पे दूसरा क्वेश्चन होगा फिर ये सीरीज़ फिर से दिखेगी इस पे तीसरा क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से पांच क्वेश्चन आपसे पूछेंगे प्री एग्जाम में ज़्यादातर ये देखने को मिलती है मेंस में इसका स्टेप बेस्ड वर्जन आता है अभी मैं दिखाऊंगी आपको कितने टाइप्स होते हैं सो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बेसिस पे आप वहाँ पे आंसर टिक कर देंगे तो अभी हमें इससे पहले सीरीज तो हमें पता चल गई कैसी दिखती है पर अब हम ये सीखेंगे कि भाई टाइप्स कितने होते हैं इसके तो देखिए अल्पोनमेरिक सीरीज के जो आपके टाइप्स होते हैं आ, वैसे बेसिकली इसे मैं चार टाइप्स में डिवाइड करती हूं ठीक है और उसके अंदर फिर उसके सब टाइप्स भी बता दूंगी कि भाई ये ऐसी भी आ सकती है ये ऐसी भी आ सकती है तो यहां पे टाइप्स अगर मैं बात करूँ <laughs> टाइप्स अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला अगर टाइप है तो वो है मिक्स्ड सीरीज का जिसमें अल्फाबेट होती है प्लस नंबर्स होते हैं प्लस इसी के साथ सिंबल्स होते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड सीरीज सब चीज इसमें है ठीक है इसी के अंदर मैं कुछ और टाइप्स बता रही हूं अगर आपको इन लेटर्स सिर्फ लेटर्स दे दिए जाए ठीक है आप अगर आपको सिर्फ अल्फाबेट दे दी जाए ओनली लेटर्स आ जाएंगे अगर आपकी सीरीज में तो वो हो जाती है लेटर बेस्ड सीरीज ओके तो एक टाइप ये होता है आपका लेटर बेस्ड सीरीज होती है एक एक आपकी होती है जब आपको सिर्फ नंबर दे दिए जाते हैं या फिर हम बोल सकते हैं सिर्फ डिजिट आ जाते हैं आपके पास तो वो होती है आपकी ओनली डिजिट वाली सीरीज ओनली डिजिट अगर आ जाती है तो वो हो जाती है डिजिट बेस्ड सीरीज और सिंबल्स का अकेला आज तक नहीं आया है तो आपको कभी भी मिलती है तो या तो सिर्फ लेटर्स दे देंगे लेटर बेस्ड सीरीज बन जाएगी या तो फिर सिर्फ आपको डिजिट्स uh, दे देंगे डिजिट सीरीज बन जाएगी या फिर आपको वो इनमें से किसी भी दो को उठा लेंगे अल्फाबेट के साथ नंबर ठीक है या फिर अल्फाबेट के साथ सिंबल तो वो यहां पे डिपेंड करता है यहां पे आपको हो सकता है कि लेटर्स के साथ लेटर प्लस प्लस नंबर्स मिल जाए सिर्फ ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि लेटर और सिंबल्स मिल जाए ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे नंबर के साथ सिंबल्स मिल जाए ठीक है नंबर्स के साथ सिंबल्स मिल जाए ये कुछ सब टाइप्स है मतलब कि ऐसे-ऐसे भी आ सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड टाइप क्या होता है तो सेकंड टाइप आपका होता है नंबर बेस्ड सीरीज जिसमें थ्री डिजिट नंबर ज्यादातर पूछे जाते हैं तो नंबर बेस्ड सीरीज क्या है देखिए नंबर बेस्ड अल्फनुमारिक सीरीज इसमें एक्चुअल में आपसे कुछ नंबर्स दिए जाते हैं ज़्यादातर थ्री डिजिट नंबर दिए जाते हैं तो थ्री डिजिट नंबर जैसे कि फोर हंड्रेड फिफ्टी थ्री सिक्स सेवेंटी सेवन सेवन एटी नाइन थ्री फोर्टी फोर फोर फिफ्टी सिक्स ये है एक सीरीज़ और इसे हम बोलेंगे नंबर बेस्ड सीरीज़ ये एक एक नंबर कैसे बने हैं तीन तीन डिजिट से मिलके बने हैं ठीक है ठीके? और एक सीरीज़ आपकी होती है जैसे हम बोलते हैं वर्ड बेस्ड सीरीज शब्दों पर आधारित यह भी ज्यादातर देखा गया है कि थ्री लेटर बेस्ड सीरीज होती है मतलब जैसे आपको मिल गया कैट मैट नेट पैट वेट ये आपको एक सीरीज मिल गई ऐसी सीरीज भी आपको मिल जाती है जिसमें पांच वर्ड्स देते हैं वो जनरली हमेशा ये देखा गया है और तीन लेटर का एक वर्ड होता है तीन लेटर का एक वर्ड होता है ऐसी तीन नंबर तीन डिजिट्स का एक नंबर होता है अब डिजिट नंबर में थोड़ा 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 कन्फ्यूजन हो गया क्या चलिए अभी उसे भी बताएंगे पर ये सारे मैंने आपको टाइप्स बताए हैं अल्फरामिक सीरीज के इसके बाहर आपको आपको इसके बाहर प्री में कोई भी सीरीज नहीं मिलने वाली है अब आते हैं मेन्स की तरफ मेंस में ऐसा हो सकता है कि इसका ही कुछ हाई लेवल दे दे इसका ही कुछ हाई लेवल दे दे या फिर मेंस में ऐसा भी हो सकता है मैं मेंस में का टॉपिक पे लिख रही हूं, जो फोर्थ है है आपका तो मेंस के लिए एक है जो पीओ के मेंस में देखा जाता है या तो इनमें से कोई भी उठा लेंगे और इसका हाई लेवल कर देंगे अगर क्लर्क मेन्स है पीओ के मेन्स में अधिकतर देखा गया है आपका टाइप फाइव दैट इज स्टेप बेस्ड सीरीज स्टेप बेस्ड अल्फोनोमैरिक सीरीज ये टाइप भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी तो ये सारी अल्फा अल्फोनोमैरिक सीरीज के टाइप्स हैं आई होप समझ गया होगा अब आगे चलते हैं अब मैं जल्दी से आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाली हूँ और बहुत मजा आने वाला है सबसे पहले तो ये डिजिट नंबर ये वाली कन्फ्यूजन मैं थोड़ी आपकी दूर करूँगी एक सेकेंड तो चलिए करते यहां पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिमेंट क्या होता है तो तीन वर्ड्स आपको बार बार दिखने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस में एक होगी एलिमेंट की बात एक आपकी होगी लेटर की बात और एक आपकी होगी लेटर में ही वॉवल की बात और लेटर में ही कॉन्सोनेंट की बात एलिमेंट्स क्या होते हैं तो एलिमेंट्स में आपके सारे लेटर्स आते हैं लेटर्स भी एलिमेंट है आपके सिम्बल्स भी एलिमेंट है और आपके नंबर्स भी एलिमेंट है ठीक है तो ये क्या है आपका ये सारे एलिमेंट्स है लेटर्स सिंबल्स और नंबर्स ओके ठीक अगर आपको किसी भी सीरीज में बस ये दो मिल जाए या ये दो मिल जाए ये सभी को हम एलिमेंट बोलते हैं मतलब कि हर एक लेटर को हम एलिमेंट बोल सकते हैं और ये सब एक साथ मिल जाएंगे तो इन्हें एलिमेंट का नाम दे सकते हैं हर एक नंबर को हम एलिमेंट बोल सकते हैं तत्व तो है वो उस सीरीज का बट जब लेटर की बात आती है तो लेटर में हम सिर्फ रिकगनाइज करते हैं ए टू जेड के बीच के सभी लेटर्स को इसे हम अल्फाबेट भी बोलते हैं क्वेश्चन में अल्फाबेट भी आ सकता है ठीक है अब इसी में कैटेगराइज किया गया है कि वोवल क्या होता है कॉन्सोनेंट क्या होता है तो वोवल होते हैं पांच ए ई आई ओ यू और आपके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स सभी लेटर्स होते हैं एक्सेप्ट ए यू -E बस इन्हें छोड़ के इन्हें छोड़ के सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं इन्हें छोड़ के सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं ओके आर यू गेटिंग इट ओके आइए अब आगे चलते हैं ये तो हमने सीख लिया अब एक कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होती है भाई वर्ड क्या होता है भाई नंबर क्या क्या होता होता है है वर्ड के अंदर ही फिर ये लेटर क्या होता है? और नंबर के अंदर ही ये डिजिट क्या होता है तो ये कंफ्यूजन भी अभी मैं आपकी दूर कर दूं लग बहुत ऐसा रहा है कि अरे ये तो सिंपल सा है बट स्टिल इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखिए यहाँ पे वर्ड uh, क्या मिली का बर्थडे है विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे मिली ठीक है आई विश कि आपकी जॉब बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लगे आपको दुनिया की हर एक खुशी मिले जो आप चाहती हैं ओके आइए एंड ठीक है okay. And, uh, तो वर्ड अगर मैं लिखती हूं यहाँ पे सन ठीक है अगर मैं सन लिखती हूं तो ये एक शब्द है लेकिन एस ओ और ये एन ये सारे क्या है ये लेटर्स है ये एक वर्ड है और ये लेटर्स से मिलके बनता है बाई मिक्सिंग लेटर्स मिक्सअप से कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स से एक वर्ड बनता है और वर्ड के कॉम्बिनेशन से एक वाक्य बनता है सेंटेंस बनता है नंबर क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा फोर हंड्रेड फिफ्टी एट दिस इज अ नंबर बट फोर क्या है फाइव क्या है और एट क्या है सो so, कोई भी नंबर डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है तो ये सारे क्या हैं ये सारे डिजिट्स हैं फोर फाइव एट डिजिट्स हैं जिनको मिला के एक नंबर बना है समझ so, में आई बात क्लियर होता जा रहा है मैम आप ये आप आई बी पी की तैयारी करा रही हो ना जी हाँ आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स चाहे आई हो चाहे आर हो चाहे एस हो चाहे आरबीआई हो सबके लिए है ये सेशन आर यू गेटिंग समझ में आ रहा है ना हम्म हम्म चलो ठीक है तो वर्ड लेटर नंबर डिजिट हमें समझ में आ गया अब आगे चलते हैं। क्या होता है ठीक है अब दो वर्ड आपको इस पूरे चैप्टर में बार बार मिलने वाले हैं और उनमें से एक वर्ड है प्रिसीडेड बाय और एक वर्ड है फॉलोड by. preceded by मतलब क्या होता है और followed बाय मतलब क्या होता है अगर मैं आपसे कहती हूं सेवन इज बाय वॉट और अगर मैं कहती हूँ सेवन इज फॉलोड बाय वॉट तो आंसर क्या होगा तो हमारा आंसर बहुत आसान होगा अगर आप वन टू थ्री देखते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सेवन के जस्ट पहले क्या है सेवन इज प्रीसीडेड प्री मतलब क्या होता है प्री मेथ से पहले होता है तो प्री क्या होता है आपका प्री नर्सरी स्कूल से पहले होता है मतलब जस्ट पहले ठीक है पहले होगा इसका मतलब और अगर मैं यहाँ पे इमेजिएट लगा देती हूँ हम्म hmm. तो प्री मतलब पहले मतलब कि जस्ट सेवन इज इमीडिएटली बाय सेवन के जस्ट पहले क्या है सेवन के जस्ट पहले क्या है सिक्स है तो आंसर क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा सेवन इज इमीजिएटली फॉलोड बाय फॉलोड मतलब जस्ट पीछे सेवन के जस्ट पीछे क्या है एट है तो क्या हो जाएगा आंसर एट हो जाएगा आर यू गेटिंग इट समझ में आ रही है बातें चलिए तो प्री मतलब पहले और फॉलो आउट आपको कौन फॉलो करता है आपके इंस्टाग्राम पे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो क्या है आपके पीछे हैं आपको फॉलो कर रहे हैं इसलिए उसी से याद रखेंगे फॉलो मतलब पीछे और क्योंकि इमेडिएटली पीछे पूछा है मतलब कि जस्ट पीछे कौन है तो सेवन के जस्ट पीछे कौन है एट है एट हो जाएगा आंसर समझ में आया ना प्रिसीडेड मतलब जस्ट पहले और फॉलोअर मतलब जस्ट बाद में अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे ओके okay? हाँ और क्वेश्चन में मैं आपको एक और चीज सिखाने वाली हूँ हम यहाँ पे भी सीख सकते हैं फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आपको एक चीज बोलेंगे कि एक मैं सीरीज बना रही हूँ ये एक सीरीज है समझो ठीक है इसमें उन्होंने बोला Which element is second <laughs> to the left of third element? फ्रॉम द राइट एंड क्या बोला इन्होंने थोड़ा ध्यान से देखेंगे दे आर से इनमें आप ये बताइए कि विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड पीछे से स्टार्ट करो पढ़ना राइट एंड से जो थर्ड एलिमेंट है राइट right एंड से थर्ड एक दो तीन एक दो तीन ये राइट एंड होता है अभी एक और बात सीख लो ये होता है लेफ्ट एंड जो हमारे लेफ्ट एंड की ओर जो सीरीज का एंड होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट एंड मतलब कि बाया छोर और ये होता है राइट एंड जो हमारे राइट हैंड की ओर होता है वो होता है दाया छोर मतलब कि राइट हैंड राइट एंड तो राइट से वन टू तो थ्री थर्ड कौन सा है एलिमेंट जी है इन्होंने बोला इसके लेफ्ट से सेकेंड एलिमेंट फाइंड करो तो इसके लेफ़्ट कहाँ जाएगा इस साइड जाएगा इसके लेफ़्ट से सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका लेफ़्ट से एक दो सेकेंड एलिमेंट हो गया ये मतलब आंसर हो गया हमारा ई क्लियर हुआ अब ये तो हमने किया बिल्कुल बेसिक मेथड से पर इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे जब भी आपको यहाँ पे दिखे कि एलिमेंट पूछा गया है मतलब हर चीज़ को हमें काउंट करनी है और फिर आपको यहाँ पे ये भी दिखे कि यहाँ पे राइट एंड के साथ लेफ्ट दे रखा है तो ये इसे हम बोलते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट ओके तो एक्चुअली आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे कैसे जैसे ही आपको पता चला कि लेफ्ट और राइट right एंड दे रखा है मतलब लेफ्ट के साथ राइट ऑपोजिट एट्रैक्ट कर जाएगा दोनों तो को ऐड कर देंगे पर किस चीज को ऐड करेंगे इनके साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है उसे ऐड करेंगे मतलब थ्री प्लस टू कर देंगे कितना आ गया ये फाइव अब फिफ्थ एलिमेंट आपको फाइंड करना है कहाँ से फिफ्थ एलिमेंट आपको फाइंड करना है जो एंड दे रखा है मतलब कि राइट एंड से तो एक दो तीन चार पाँच देखिए सेम आंसर आ गया है ई तो ये था इसका शॉर्टकट ओके इसे आप ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं इसी की तरह मैं और कुछ आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अगर आपको लेफ्ट के साथ और मैं कराऊंगी भी क्वेश्चंस तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अब इसलिए लिखवा रही हूँ बस लेफ्ट के साथ अगर आपको राइट right एंड मिलता है या, right <coughs> या राइट right मिलता है या फिर राइट के साथ आपको लेफ्ट एंड मिलता है या फिर लेफ्ट मिलता है दोनों ही केसेस में आपका क्या होगा ऑपोजिट है तो ये अट्रैक्ट कर जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा एड हो जाएंगे दोनों ये हमने बीच में प्लस लगा दिया लेकिन जब भी वो आपको सिमिलर देता है लेफ्ट के साथ लेफ्ट एंड देता है राइट right के साथ राइट right एंड देता है जब वो सिमिलर देता है तो ये रेपल करते हैं मतलब बीच में आ जाएगा माइनस तो सिमिलर रेपेल्स मतलब कि सब हो जाएगा माइनस हो जाएगा हम्म क्लियर हुआ ये आपको चलिए आइए अब आते हैं हम क्वेश्चंस की ओर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है हालांकि आंसर नहीं दिया है बट पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये पीडीएफ भी आपके काम आए आपकी फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कराने का सोचा है तो यहाँ पे आ, पहला क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करेंगे उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूँगी जल्दी से थोड़ा सा ही समय मिलेगा आपको <coughs> ओके आइए कम ऑन क्या बोला गया है क्या बोला गया है यहां पे इन्होंने बोला है हाउ मेनी सच वर्स आर देयर इन द बॉब अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर अगर स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो तो आप इसे एक और तरीके से कर सकते हैं जो मैं अभी दिखा रही हूं यहां पे देखिएगा आपका तरीका ये हो सकता है आपकी जो रफ शीट होगी आप उस पे लिख सकते हैं इन्होंने बोला है हाँ हाउ मेनी वॉवल्स मतलब कि वॉवल्स ऐसे कितने हैं इन द बॉबल इन में जिनके इमीडिएटली जो इमीडिएटली प्रसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट प्रसीडेड मतलब जिसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा और क्या बोला इन्होंने एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर जिसके जस्ट पीछे एक नंबर आएगा ठीक है कॉन्सेप्ट कर लिए अब थोड़ा एप्लीकेशन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट और क्या चीजें हो सकती है वो भी पता चलेगा क्वेश्चंस के माध्यम से तो इन्होंने जैसे ही बोला कि इमिजिएटली फॉलोड बाय अ नंबर मतलब हमें कुछ ये ढूंढना है वॉवल के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट और वॉवल के जस्ट बाद नंबर इसी के साथ आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल वॉवल के बाद नंबर ऐसे भी देख सकते हैं कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल वॉवल के बाद नंबर नेक्स्ट ठीक है, अब को ढूंढना स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए ढूंढते हैं के पहले कॉन्सोनेंट और बाद में नंबर तो वॉवल ढूंढिए देखिए वॉवल जब भी आपको वॉवल मिले ना तो आप इंस्टेट की आप कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करें आप वॉवल से ही स्टार्ट करो क्योंकि वॉवल होते ही कुल पाँच हैं और इसमें और कम होंगे तो वॉवल जल्दी आसानी होती है ढूंढने में वॉवल कहा है आपका वॉवल 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 ये है हैवल के आगे कॉन्सोनेंट और पीछे नंबर हो गया एक वॉवल नंबर दूसरा मिल गया वॉवल आए है ये आए, आए। कॉन्सोनेंट पीछे नंबर यहाँ पे ये यह वॉवल तो है पर कॉन्सोनेंट नहीं है इसके आगे <laughs> और कोई वॉवल यहाँ पे मिल नहीं रहा तो यहाँ पे कितने मिले वन टू थ्री तीन ऐसे वॉवल मिले जो ये फॉलो करवा रहे हैं मतलब आंसर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा थ्री हो जाएगा कौन से कौन से हैं देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है एक ये है एक ये है एक ये है ठीक है ये ये पी डी एफ ये नोट्स बहुत काम आएंगे आपके आगे चलते हैं चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ टू द राइट ऑफ द ट्वेंटी फ्रॉम द राइट इन द अब अरेंजमेंट मैम आपका ट्रेंडिंग रीजनिंग बैच कब होगा स्टार्ट गरिमा बहुत जल्द होगा हाँ तो सत्ताईस से हम उसे शुरू कर देंगे ओके 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 वेरी गुड वेरी गुड यहां पे बोलाइंग इज द सेवेंथ टू द राइट ऑफ द ट्वेंटी सेवेंथ टू द राइट ऑफ द ट्वेंटी एथ फ्रॉम द राइट इन द अबव अरेंजमेंट अब इसमें क्या करेंगे अभी मैंने एक रूल सिखाया था आपको यहां पे इन्होंने बोला है कि कौन सा इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं दिया है फिर भी हम एलिमेंट नहीं दिया होता तो बाई डिफॉल्ट एलिमेंट सोचते हैं सेवेंथ होगा टू द राइट ऑफ ट्वेंटी राइट इन द अब अरेंजमेंट तो कुछ मत करो पीछे से आगे चलो राइट से ट्वेंटी ये राइट एंड होता है राइट से ट्वेंटी काउंट किया उसके राइट में सेवेंथ तो उसका राइट इधर आएगा उसके राइट में सेवेंथ इधर आ जाएगा पर क्या हम इसे इस तरीके से करेंगे नहीं हम इसे डायरेक्ट क्या करेंगे जो तरीका मैंने बताया था राइट के साथ जब आपको राइट मिल जाता है तो सिमिलर सिमिलर तो क्या हो जाएगा राइट के साथ राइट है तो माइनस हो जाएगा क्या माइनस होगा ट्वेंटी माइनस सेवन हो जाएगा क्या होगा ट्वेंटी माइनस सेवन हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर्टीन सॉरी और ये हो जाएगा आपका थर्टींथ ठीक है हाँ थर्टींथ एलिमेंट कौन से एंड से देखेंगे जो लास्ट में लिखा हुआ है राइट से तो राइट से डायरेक्ट आपको थर्टींथ एलिमेंट ऐसे नहीं करना कि पहले ट्वेंटी एथ देखेंगे फिर उसके राइट में जाएंगे? नहीं डायरेक्ट राइट से थर्टींथ एलिमेंट आपको फाइंड करना है तो चलिए फाइंड करते हैं अगर आप फाइव फाइव के पेयर में काउंट कर रहे हो तो और अच्छी बात है ठीक है तो यहां पे ये हो गया आपका पास्ट थोड़ा आसान हो जाता है मतलब काउंट करना है ना पांच ये हो गया ये दस हो गए और ये ग्यारह बारह तेरह छः हो जाएगा आंसर छः वाले बिल्कुल सही हैं मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए क्योंकि ये फाउंडेशन है तो मैं कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाह रही हूँ ओके ये लीजिए आगे चलते हैं जल्दी करेंगे इसे परफॉर्म वॉट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट इस सीरीज पे बेस्ड आपको एक सीरीज दी गई है यहाँ पे और ये बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क वाली जगह क्या आएगा चलिए आइए देखते हैं देखिए एक्चुअली ये हमें तीन तीन करके इन्होंने ये तीन ये तीन ये तीन ये तीन ठीक है ऐसे करके इन्होंने हमें क्या किया है ये क्वेश्चन दे रखा है ये तीन है फिर ये तीन है फिर ये तीन है और फिर ये क्वेश्चन मार्क और फिर ये तीन मतलब एक एक आपको एक बैच में इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स रख रखे हैं मेरा ये मानना है आप हमेशा इसे ऐसे क्या करो ये पहला जो है ना इसका पहले से पहले तक जाओ फिर इस पहले से पहले तक जाओ और फिर आपको मिल जाएगा तो फाइव से थ्री ढूंढो फाइव से थ्री ये है <laughs> थ्री से के थ्री से के ये है इनके बीच में कितना गैप दिख रहा है तीन चार पाँच फाइव का गैप है इनके बीच में भी फाइव का गैप है तो आगे भी पाँच का गैप छोड़ दो और ये आ जाएगा टू तो यहाँ पे क्या आएगा टू आ जाएगा ठीक है दूसरे वाले के लिए भी ऐसी करेंगे स्टार डॉलर एट ढूंढिए स्टार है? स्टार से डौलर, डौलर से डॉलर डॉलर कितना गैप है तीन चार पांच पांच का गैप है यहां पे भी यहां पे भी पांच का गैप है तो यहां पे भी पांच का गैप कर दो तो ये हो जाएगा एक दो तीन चार पांच मतलब हैश टू के बाद आएगा हैश ओके यही आ रहा है सबका और लास्ट में इसका भी आप टी से एन एन से आई और आई से पांच का गैप होगा और वहाँ पे आ जाएगा एच जो आप लोग का आंसर आ रहा है ठीक है तो ये हो जाएगा आपका आंसर मैंने एक सीरीज के अंदर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस कराए मैंने सबसे पहले आपको कराया प्रीसीडेड फॉलोड वाला उसके बाद कराया राइट लेफ्ट वाला और अब मैंने कराया आपको ये Uh, एक मिसिंग सीरीज वाला क्वेश्चन इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ जो मैं आपको करा रही हूँ उसमें सारे टाइप्स कवर करा दूँ अब ये वाला ये वाला होता है इसे हम बोलते हैं ऑड वन आउट ये बोलते हैं फॉर द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंड्स फॉर्म एंड विद रिगार्ड टू देयर पोजिशन इन द अबव अरेंजमेंट विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप ठीक है ये है वो पांच अनमोल रतन अब यहां पे इन्होंने बोला है भाई इसके बेसिस पे हमने ये सीरीज बनाई है इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो ऑड होगा वो आपको फाइंड करना है ठीक है चलो देखो कैसे होगा जी से वो ही करेंगे पहले से पहले पे जाते हैं जी से डब्लू गए जी से डब्लू गए एक दो तीन तीन का गैप है ठीक है देखो हम इसे दो तरीके से ले सकते हैं इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हम ऐसे 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 जाएं, ठीक है एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं यहां पे क्योंकि मिसिंग नहीं है मिसिंग नंबर नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों में एक दूसरे से क्या रिश्ता है फॉर एग्जाम्पल जी यू आई जी कहाँ है आपका जी से यू और फिर यू से आई क्या हुआ जी के पहले बाद में जाना हुआ एक छोड़ के एक का गैप आया और फिर यू से पहले जाना पड़ा कितना छोड़ के एक दो तीन चार चार छोड़ के चार का गैप आया ठीक है आगे देखो डब्लू सिक्स फोर ऐसे ही सेम लॉजिक डब्लू सिक्स फोर पर भी लगना चाहिए डब्लू एक छोड़ के हम पीछे की तरफ गए अब इससे पहले वाली तरफ जाएंगे सिक्स से हमें चार छोड़ने होंगे एक दो तीन चार मतलब के आना चाहिए के है क्या यहाँ पे नहीं है, है यहाँ पे के यहाँ पे के नहीं है मतलब ये अलग लग रहा है अभी पता नहीं है कंफर्म नहीं है इसमें देखो क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है ये वाला या ये वाला तो पता चलेगा कि अलग कौन है अगर इसमें भी ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा होगा तो अलग ये है लेकिन इसमें भी ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा होगा तो अलग ये है समझ में आई बात तो तीसरा भी देखना पड़ेगा सेवन जे हैश सेवन के जस्ट बाद एक छोड़ के जे और जे से चार छोड़ के एक दो तीन चार छोड़ के हैश तो ये चार मतलब कि हमने देखा जी यू आई का लॉजिक और सेवन जे हैच का लॉजिक ये दोनों सेम है तो भिन्न लॉजिक मतलब कि डिफरेंट लॉजिक किसका हुआ इसका हुआ मतलब आंसर हो जाएगा डब्लू सिक्स फोर ओके अब इसी का पांचवा देखो सारे डिफरेंट क्वेश्चन कराए मैंने आपको यहां पे बोल रहे हैं इफ वी रिमूव ऑल द वॉवल्स इन द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी सेवन फ्रॉम द राइट एंड अगर आपने सारे वॉवल्स को ही हटा दिया तो भैया बताइए राइट एंड से कौन सा एलिमेंट होगा तो क्या वॉवल्स को हटा पाएंगे भैया ऑनलाइन एग्जाम कट तो कर नहीं पाएंगे तो आप क्या करेंगे इग्नोर करेंगे जो आप अक्सर करते हैं चीजों को लेके है ना आइए तो हमें राइट एंड से सेवेंथ एलिमेंट ढूंढना है लेकिन वॉवल काउंट नहीं करना है तो ये से काउंट नहीं करेंगे हम एक, एक दो तीन चार पाँच पर ये भी वॉवल है तो ये नहीं काउंट होगा पाँच छे सात आठ हमें सात ही चाहिए था ना तो डी हो जाएगा आंसर ओके डी हो जाएगा बिल्कुल सही नेक्स्ट अब हमने करी थी मिक्स्ड वाली सीरीज अभी तक अब मैं आपको कराने जा रही हूं वर्ड बेस्ड सीरीज ये है वर्ड्स पर आधारित सीरीज वर्ड बेस्ड सीरीज ओके इसमें इन्होंने एक सीरीज दे रखी है जो आपको ये दिख रही है तीन तीन लेटर से मिलके ये वर्ड्स बने हैं और इन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा है अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट देन विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेन तो अल्फाबेटिकल सीरीज एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ठीक है hmm. जब ये बोलते हैं कि आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में इसे आ, आ, रखना है तो आप इसे कैसे रखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी ए बी सी डी जो है वो हमें क्या सिखाती है या फिर एक डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे कैट अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे बैट और यहाँ लिखती हूँ मैं एक्ट यहाँ लिखती हूं मैं ठीक है मुझे बोल दिया गया इन्हें एक अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज करो इन वर्ड्स को तो कैसे करा जाएगा मैं हर एक शब्द के पहले का लेटर देखूंगी ये है सी ये है बी ये है ए और ये है नेट इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर लिखना है तो सबसे छोटा सबसे पहले कौन सा आता है ए मतलब कि एक्ट आ जाएगा पहले उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है बी तो बैट आ जाएगा उसके बाद में फिर उससे बड़ा कौन सा है सी तो कैट आ जाएगा उसके बाद में अल्फा नोमेरिक सीरीज अल्फाबेट अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग मैं इसे अरेंज कर रही हूँ फिर बचा नेट नेट आ गया यहाँ आर यू गेटिंग इट ओके चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे वाई ओ एम एम जे के यू जी जे आई एम एक्स के क्यू जेड ओके तो यहाँ पे इन्होंने अगर हम अरेंज करें इसे तो इन्होंने पूछा क्या है हमसे थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब कि एक दो तीन ये यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है यहाँ पे क्या आएगा अरेंज करने के बाद तो आपकी देखो प्रैक्टिस उस तरीके की हो जानी चाहिए कि आपको ये लिखना ना पड़े और आप डायरेक्ट देख के कर लें देखना क्या होगा हर एक शब्द का पहला अक्षर पहला लेटर देखना होगा तो यहाँ पे ये वाई है ये एम है ये यू है ये आई है और ये के है ठीक है तो सबसे छोटा अगर मैं देखू तो क्या होगा सबसे पहले क्या आता है आई आता है तो ये सबसे पहले आके बैठ जाएगा आई एम एक्स आपको बस पहले वाला देखना है आई एम एक्स ये सबसे पहले आके बैठ जाएगा ठीक है फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है आई जे के के वाला बड़ा है इससे तो ये पहले पे आ गया दूसरे पे आ गया के क्यू जेड और तीसरे वाले पे क्या आएगा आई हो गया के हो गया बताओ यू तो सबसे बड़ा है एम और वाई वाई भी बड़ा है तो एम एम बचा ठीक है एम आएगा फिर एम के बाद यू आता है कहीं और यू के बाद कहीं वाई आता है तो एम जे के आएगा एम जे के मतलब ये थर्ड पे आएगा तो लेफ्ट से अगर थर्ड पे देखा जाए तो हमारा आंसर होगा एम जे के मजाक ठीक है ओके आगे चलते हैं। तो ये थी वर्ड बेस्ड सीरीज में एक डिक्शनरी ऑर्डर ओके ठीक है तो अभी अभी हमने अभी हमने किया एक तो मिक्स्ड सीरीज़ की एक हमने शब्दों पर आधारित अभी मैंने आपको सीरीज़ सिखाई अब हम करने जा रहे हैं लेटर और नंबर बेस्ड सीरीज़ ओके लेटर के साथ नंबर बेस्ड सीरीज तो ये आए हम यहाँ लेटर के साथ नंबर बेस्ड यहाँ पे <laughs> अच्छा चलो पहले एक डिजिट uh, बेस्ड कर लेते हैं ठीक है तो अभी हम करने जा रहे हैं डिजिट बेस्ड सीरीज़ जो सिर्फ डिजिट्स दे रखे हैं क्या आपको पता है एक थोड़ा सा एक चीज बता रही हूँ आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अंबर फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री एंड फोर फाइव थ्री आर डिजिट्स आप अगर ऐसे बोलते हैं कि ये सिंगल uh, डिजिट है ये डबल uh, डिजिट uh, है वो आप नंबर के लिए बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर डिजिट अपने आप में ही सिंगल होती है ये बात याद रखिएगा तो अगर आप ऐसे बोलते हैं तो वो गलत है अगर आप कभी भी डिजिट बोल रहे हैं ना मैंने सुना है ये कुछ लोगों के आ, आ, लोगों के साइड से तो ये आपको सिखा रही हूँ मैं कि जब वो डिजिट बोलते हैं इट मीनस सिंगल डिजिट की बात मतलब कि डिजिट खुद में ही सिंगल होता है लेटर खुद में सिंगल ही होता है लेटर में क्या होते हैं ए बी सी ये सब लेटर्स है सिंगल होते हैं वैसे डिजिट भी खुद में सिंगल होता है बट अगर नंबर की बात करी जाए तो ये तीन डिजिट से मिलके बना है तो इसे हम बोल सकते हैं थ्री डिजिट नंबर ये टू डिजिट नंबर से टू डिजिट से मिल मिलके बना है इसे हम बोल सकते हैं टू डिजिट नंबर ये अगर मैं अकेला टू लिख दूं तो ये एक डिजिट है इसे सिंगल डिजिट बोलने की जरूरत नहीं है ठीक okay. है तो आ, आज के लिए इतना ही रखते हैं ओके okay? हाँ और आ, यार आज देरी हो गई आई कैन आई आई नो थोड़ी सी थोड़ी सी आ, आजकल हो रही है मुझे कल से कल से नहीं होगा आई होप ठीक है क्योंकि इससे पहले भी एक मतलब एक आ, मेरा थोड़ा काम चल रहा होता है सेशन चल रहा होता है तो उसकी वजह से थोड़ी लेट हो जाती है यहाँ पे, बट स्टिल कल से बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल ऑन टाइम नौ बजे आएंगे और स्टार्ट करेंगे तो तीन सेशंस मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आप मेरे साथ जुड़ेंगे रोज़ सुबह नौ बजे और एक और बात भाई ये वो समय है कि आप इधर भी पढ़ लो इधर भी पढ़ लो इधर भी पढ़ लो एक बार सारी जगह तीन चार जगह जाके आपको जज करना आता है अच्छे से आप बहुत जजमेंटल हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से परख भी लेंगे तो आपको आने वाले छः महीने तो एक ही एजुकेटर से पढ़ना है लेकिन अभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से समझ में आ रही है चीज़ें आसानी से तो आप पढ़ के देख सकते हो और दूसरी बात अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो फिर डेली बेसिस पे मुझे पूरी तरीके से एक मतलब कि पूरी तरीके से फिर आपको रेगुलर बेसिस पे मुझे फॉलो करना होगा आप ये नहीं कि अभी यहाँ से पढ़िए अल्फनामैरिक सीरीज़ आप कहीं और जाके देखोगे और सोचो कि मैं तो इसे पक्का करके रहूँगा मैं तो दुनिया के सारे टीचर से अल्फनमार सीरीज़ पढ़ पढ़ूँगा यूट्यूब पर नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे उल्टा टाइम वेस्ट होगा मुझे, मुझे, मुझे तैयार हो जाए तो अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो ये तीन सेशन बता रही हो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सुबह के ये दो सेशन होंगे फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए एक तो नौ बजे और बारह बजे होता है रीजनिंग रील्स तो यहाँ जरूर जुड़ना है और यहाँ जरूर जुड़ना है इस दोनों सेशन में जरूर जुड़ना है एक ये तो है प्री प्लस मीनस के लिए एक मीन्स के लिए मैंने स्टार्ट किया है सेशन रोज शाम सात से आठ बजे कल बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े थे अच्छा लगा मुझे तो ये रोज़ शाम सात से आठ बजे आप यहाँ पे जुड़ेंगे आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी मेरी फाउंडेशन डेली बेसिस पे यहाँ पे होगी यूट्यूब पे अगर आप मेरे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं ठीक है पेड बैच में आपको आ, और बहुत सारी सुविधाएं मिल रही होती हैं आपको पी मिलती है नोट्स मिलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे तो मुझे लगती है कि आपको पुश कर रहा होता है टीचर कि भाई करो 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 रोज रोज आएगा आपको बोलेगा एंड uh, यहाँ पे ये बैच अभी ट्वेंटी सेवन्थ जनवरी से शुरू हो रही है ट्वेंटी सेवन्थ से शुरू हो रही है ठीक है थोड़ी सी ये पोस्टपोन होने वाली है शायद तो कोई बात नहीं ये जान के ही किया है मैंने ओके okay? हाँ कुछ सोच के एक प्लानिंग सोच के की है आ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो महापैक मंगवा रहे हैं तो उनके पास तब तक वो बुक्स भी आ जाएंगी है ना तो वो मैं चाह रही हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो आपके हाथ में बुक्स भी हो ना मैं बताऊँगी फिर आपको कि इसकी इस बुक के इस चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन सारे लगा लो आज आज में तो मैं बेसिकली ऐसे ही कराती हूँ कि मैंने वो चैप्टर आपको करा दिया फिर बुक से उसके डाउट्स भी लेती हूँ फिर मैं तो एक प्रॉपर तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा तो ये बैच मेरी शुरू हो रही है सत्ताईस से कूपन कोड यूज़ करेंगे वाई चार सौ चालीस तो आपको मिल जाएगा सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि ये आने वाले एक बार इसका स्टडी प्लान ज़रूर देखना बेटा स्टडी प्लान आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका इसका स्टडी प्लान ज़रूर देखना यहाँ पे ट्रेंडिंग पजल्स आप सभी को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बताया भी होगा तो ट्रेंडिंग पजल्स की वजह से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पे भी जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेंडिंग पजल्स एक दो तीन नहीं मिलेगी बहुत सारी मिलेगी तो पहले हम फाउंडेशन तो करेंगे बट हर एक चैप्टर के बाद ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि वो जो चैप्टर वो जो पीडीएफ होगी आपके पास वो आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएंगे होता है ना आपको रिवीजन चाहिए होता है जीए का वैसे ही रीजनिंग के रिवीजन के लिए मैं एक एक सेशन ऐसा करूंगी कि आप अपने एग्जाम के सात दिन पहले भी अगर वो रिवाइज कर लेते हैं तो उनमें से आपको आपको क्वेश्चंस क्वेश्चंस मिल जाएंगे मतलब मोस्ट मैं पे कराने वाली <coughs> ये बैच आपको बैंक महा पैक में भी मिल जाती है आई वुड रिकमेंड यू महापैक ले लेना ले क्योंकि महापैक में आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे गाइज देखिए ये सारे टीचर्स आपको महापैक में मतलब कि मेंस की क्लास भी मिलेगी मेरी ट्रेंडिंग रीजनिंग बैच भी मिलेगी अल्फा बैच मतलब और, और, तो और आपको यहाँ पे कूपन कोड एक ही लगाना होगा वाई चार सौ चालीस मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और आपका ये डबल टाइम के लिए आपके पास आ जाएगा क्योंकि डी वी लाइव है डबल वाई डी टी लाइव है छह महीने का एक साल के लिए मिल जाएगा एक साल का दो साल के लिए मिल जाएगा एक और बात आपको बुक किट नहीं मंगवाना है तो ब्लू वाला महापैक ले लेना ई बुक्स मिल जाएगी महापैक में आपको बुक्स मिल रही होती है महापैक में आपको बुक्स भी मिलती है पेड बैचेस भी मिलती है और टेस्ट सीरीज भी मिलती है यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग हीर आई वुड रिकमेंड यू गो गोविथ महापैक ओके कोड यही रहेगा आप सभी को बताइए मेरा कोड है तो कोड आपका वाई चार सौ चालीस ही रहेगा थैंक यू इसके बाद अब मैथ्स का सेशन है उसमें सब लोग कनेक्ट होंगे बाय टेक केयर एंड हैव हैवे नाइफर